करोड़ों की जमीन के जांच में घिरे टीआई आखिरकार हुए सस्पेंड। जी हां, मामला करोड़ों की जमीन की जांच से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मामला पहुंच गया था सीएम तक और सीएम ने सख्ती दिखाई थी और कहा था कि तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, टीआई पे तत्काल कार्रवाई की जाए। तत्काल कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन 24 घंटे लगे। आखिरकार 24 घंटे बाद इनको निलंबित कर दिया गया है। टीआई हैं क्राइम ब्रांच के धनेंद्र सिंह भदौरिया, जिन पर करोड़ों की जमीनों की जांच को लेकर आरोप लगा था। उसमें आरोप ये लगा था कि इन्होंने अपने वरिष्ठ अफसरों को दरकिनार किया और सीधे खुद ही बिल्डर और कारोबारियों को ये जांच को लेकर दबाव बना रहे थे, और उसी से जुड़ा हुआ ये मामला करोड़ों की जमीन से की जांच से जुड़ा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई मामले किसी वरिष्ठ नेता से जुड़े थे, मामला सीएम तक पहुंचा और सीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। बहरहाल सस्पेंड कर दिया गया है। 24 घंटे बाद धरेंद्र सिंह भदौरिया क्राइम ब्रांच की टीआई आरोप गंभीर लगे थे कि जमीनों की जांच के मामले में, और यही तक आरोप लगे कि जो मामले इंदौर से जुड़े नहीं थे उन पर भी इन्होंने कई लोगों पर केस दर्ज कर दिया था। फिलहाल एक्शन लिया है पुलिस विभाग ने, सस्पेंड कर दिया है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से आरोप लगे थे, जिसके आधार पर यह एक्शन लिया गया है। सर, एक थाना प्रभारी को आज निलंबित किया गया। हाँ, थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच को शिकायत के आधार पर डीसीपी क्राइम ब्रांच ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर उसको निलंबित करके टाइम अटैच किया है। उस पर आरोप लगाया है, डीसीपी की जो रिपोर्ट है कि वो अभद्रता किया है और वसूली किया है, उसके संबंध में प्राथमिक जांच का आदेश कर दिया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह की शिकायत थी, क्या था बताया ना? भ्रष्टाचार, उसमें अभद्र व्यवहार करना और वसूली करने की शिकायत है। कौन से टीआई थे सर, कहाँ पदस्थ थे? टीआई क्राइम ब्रांच है धनेंद्र भदौरिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी साफ तौर पर यह कहते हुए कि अब निलंबित कर दिया गया है और निलंबन के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपने प्रतिक्रिया भी देखी जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दे रहे थे। पूरा मामला जो काफ़ी चर्चा में आ गया था, खासतौर से सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने जब ये मामला पहुंच गया था, शिकायत जनप्रतिनिधियों ने भी की थी टीआई को लेकर, तब ये मामला सुर्खियों में आ गया था और सीएम की सख्ती भी चर्चा में आई थी। सीएम ने टीआई को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बाद निर्देश दिए गए और 24 घंटे के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि आखिरकार जो टीआई हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मामला करोड़ों की जमीनों की जांच में आरोप लगने का था। इंदौर से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहे एमपी तक।